हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम रानी बायोलॉजी क्लासेस। राम रानी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा हमारा प्लस टू क्लास के लिए होगा, और हमने जो चैप्टर शुरू किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आज हमारा ये पार्ट थर्ड होगा। और जो प्रीवियस हमारा पार्ट टू था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है, ठीक है ना, या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि अगर हमें लेंथ दी हो तो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कैसे निकालेंगे, और अगर आपको न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर पता है तो हम पूरे डीएनए की लेंथ वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो मैंने आज का जो लेक्चर हम करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए जरा, शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मीन्स मतलब होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वो लिंक्ड हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तब जाके एक चेन स्ट्रक्चर बनता है। किसका? हम डीएनए का, या जब आरएनए की हम बात करते हैं। और इसमें अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो ये न्यूक्लियोटाइड की हमने बात की है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बच्चों कि इसके तीन कंपोनेंट मेन होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड कंपोनेंट होता है एक 5-कार्बन शुगर जिसको हम कहते हैं दैट इज पेंटोज शुगर, वो होती है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में ये होती है डिऑक्सी राइबोज शुगर, मीन्स ये प्रेजेंट होती है किसमें, डीएनए के अंदर ये प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड पड़ा। सेकंड थिंग इज, इन आरएनए की अगर हम बात करते हैं, ये जो पेंटोज शुगर है ये राइबोज होगी, इसलिए जब हम आरएनए को लिखते हैं तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं हम, ओके। आफ्टर दैट जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजिनस बेसिस, और ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है बच्चों, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कि ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होंगे, एक हमारे पास प्यूरिन है, दूसरा पायरीमिडीन है। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्यूरिन हैं दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, कि इनमें दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं विद नाइट्रोजन एट पोजिशन, कि जो नाइट्रोजन होगा पहले कार्बन पे, तीसरे पे, सातवें पे और नौवें कार्बन पे, जैसे हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एडेनिन का डायग्राम है, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, ठीक है ना, कार्बन नंबर 3 पे नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों, और कार्बन नंबर 9 पे नाइट्रोजन है, और कार्बन नंबर 7 पे नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो इसलिए डबल रिंग स्ट्रक्चर है, दो रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक हमारे पास पेंटोज है और एक हेक्सामिस, 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग, दोनों आपस में अटैच्ड होती है। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एडेनिन। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं पायरीमिडीन, मीन्स हमारे पास प्यूरिन दो होती है बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन, इस तरह जो पायरीमिडीन होंगे ये तीन होंगे, लेकिन जो पायरीमिडीन का केमिकल स्ट्रक्चर होगा ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है ना, विद नाइट्रोजन एट 1 एंड 3 पोजिशन, यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा और पहली और तीसरी पे, जैसे आप यहाँ देखिए ये एक साइटोसिन है जो कि एक पायरीमिडीन है, ठीक है ना, पहले कार्बन पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और तीसरे पे कार्बन पे नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एग्जांपल हमारे जैसे साइटोसिन है, थायमिन है और यूरेसिल है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं डीएनए और आरएनए के अंदर ये वेरी करते हैं, कि हम ये बात करते हैं कि जो साइटोसिन है, साइटोसिन जो होता है बच्चों, साइटोसिन ये दोनों के लिए कॉमन है, मीन्स साइटोसिन कॉमन फॉर डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन ही क्या, थायमिन भी कॉमन है दोनों के लिए, सॉरी साइटोसिन कॉमन है, और जो थायमिन के प्लेस पे यहां पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, और थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, कि यूरेसिल उसको रिप्लेस कर देती है इन आरएनए के केस में, कि जो आरएनए है, आरएनए के केस में यहाँ पर यूरेसिल होगा ना कि थायमिन होगा। तो इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अगर हम डीएनए की बात करते हैं बच्चों, तो डीएनए के अंदर क्या होगा नाइट्रोजनस बेसिस, अगर हम डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस पूछा जाता है तो हम कहते हैं ए के साथ, ठीक है ना,
टी बाइंड होता है और जी के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ, ठीक है ना। अगर हम आरएनए की बात करते हैं, आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, एडेनिन के साथ यहाँ पर यूएसिल बाइंड करता है और ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ साइटोसिन। तो इस तरह से बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो डीएनए और आरएनए में इस तरह से जाने जाते हैं। चलिए अब एक जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसको जरा एक बार स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक है ना। उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है या जो डीएनए होता है उसका बैकबोन क्या है बच्चों, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। ये एक बैकबोन होगी हमारे पास किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। और उसमें से जो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो प्रोट्रूड करते हैं आउटवर्ड। जैसे आप देख पा रहे हैं एडेनिन प्रोट्रूड कर रहा है, यहाँ थाइमिन प्रोट्रूड कर रहा है, यहाँ ग्वानोसिन प्रोट्रूड कर रहा है और यहाँ पर साइटोसिन प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की है, कि जब हम बात करते हैं एक फॉस्फेट जब कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाती है, या यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कार्बन और फॉस्फेट क्या बॉन्डिंग बनाता है, ये कार्बनिस के साथ क्या बॉन्डिंग बनाता है, तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एस्टर बॉन्डिंग। क्या कहेंगे इसको, एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनता है। इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पर भी एस्टर बॉन्ड है और यहाँ पर भी एस्टर बॉन्ड है तो यहाँ पर इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, ये शुगर है, ये हमारे पास शुगर है और ये हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है, तो इनके बीच में क्या बॉन्डिंग होगी, कि यहाँ पर जो यहाँ पर ये बॉन्ड बनते हैं इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, एक्चुअली दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम इसको कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना बच्चों, वो कैसे बनेगा, देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अगर उसको हमें डिफाइन करना हो कि ये कैसी लिंकेज है, ठीक है ना, बिटवीन नाइट्रोजिनस बेसिस एंड द पेंटोज शुगर टू फॉर्म ए ग्लाइको न्यूक्लियोसाइड। जब भी हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड में आप यहाँ देखिए कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, इतने पार्ट को हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जब एक शुगर एक बेस के साथ ऐड हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड हम कहते हैं। जैसे इसी को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। जैसे अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए की बात करते हैं, डिऑक्सी एडिनोसाइन होगा, डिऑक्सी ग्वानोसाइन होगा, डिऑक्सी साइटिडिन होगा, डिऑक्सी थाइमिडाइन, दीज आर द न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए है, मींस एडिनोसाइन है, ग्वानोसाइन है, साइटिडिन है और यूरिडिन है, दीज आर द यू कैन से न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ द डीएनए। आगे देखिए, अब इनको हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि यहाँ पर हमने एक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, अब इसको जरा डायग्रामेटिक देखते हैं। तो अब देखिए जो केमिकल स्ट्रक्चर हमारे पास है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें देखिए बच्चों हमारे पास जो डिऑक्सी साइटिडिन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पाइरिमिडिन है जो सिंगल रिंग होती है वो राइबो शुगर, ये आपके पास क्या है, ये एक राइबो शुगर है जिसको हम डिऑक्सी राइबो शुगर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डिऑक्सी राइबोज, ये एक शुगर है। जब ये शुगर एक पाइरिमिडिन जो नाइट्रोजनस बेस होगा उसके साथ जब जुड़ती है और यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनती है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा उसको हम बोलेंगे वन प्राइम वन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दैट मीन्स कि जो कार्बन वन है, ठीक है ना, वो बॉन्ड करेगा किसके साथ, जो फर्स्ट नाइट्रोजन है, जो फर्स्ट पोजिशन पे नाइट्रोजन है उसके साथ यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई इस लिंकेज को वन प्राइम वन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से हम जानते हैं। तो इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर भी ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बट हेयर इट इज़ इन बिटवीन यू कैन से, ये हमारे पास प्योरिन है, मीन्स एडेनिन है। क्या है ये, एडेनिन है, और जब एडेनिन के साथ हम शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है ना, दिस इज डिऑक्सीराइबो शुगर, ये डिऑक्सी राइबो शुगर है हमारे पास। जब यहाँ पर भी क्या होगा, वन प्राइम टू नाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, मीन्स
कि कार्बन वन ऑफ सुगर बाइंड विद द नाइन्थ पोजिशन नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर लिंकेज बनाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं वन प्राइम नाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बच्चों, इट इज सीन इन बिटवीन द यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द और यू कैन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर ऐसे बनते हैं। फिर आगे देखिए कि आपको बताया गया कि हमारे पास फॉस्फेट के साथ शुगर जुड़ता है, फिर फॉस्फेट आ जाता है, फिर शुगर जुड़ता है, फिर फॉस्फेट आ जाता है, फिर शुगर। तो एक बैकबोन आपको बताई गई है, इसका मतलब क्या कि जो शुगर है वो दो फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाती है, ठीक है ना। और एक फॉस्फेट हम कह सकते हैं दो शुगर के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे, इसको बच्चों हम कहते हैं डाई एस्टर बॉन्ड। तो डाई एस्टर बॉन्ड क्या होगा, उसको बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बनता कैसे है कि हमें पता है कि एक जो राइबो शुगर होता है उसका जो थर्ड कार्बन होता है, जैसे आप यहाँ पे ये राइबो शुगर देख रहे हैं डिऑक्सीराइबोज, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। तो तीसरे कार्बन में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, ठीक है ना, प्लस जो फाइव प्राइम जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जिसको हम कहते हैं, मीन्स इस ये जो शुगर है, ठीक है ना, इसका क्या होगा यहाँ पर जो पाँचवा कार्बन होगा उसके साथ यहाँ पर लिंकेज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, बीच में हमारे पास फॉस्फेट बॉन्डिंग आ जाएगी। तो यही तो बोला मैंने, शुगर फॉस्फेट शुगर, यही हमने बनाई है, शुगर फॉस्फेट शुगर। और यू कैन से ये एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा कैसे, तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होगा, पहला न्यूक्लियोटाइड है, इसका एक एंड तो बेटे फॉस्फेट होगा, ठीक है ना, फिर दूसरा शुगर आ जाएगा, फिर फॉस्फेट होगा। तो अब देखिए यहाँ थ्री प्राइम कार्बन बॉन्डिंग बनाता है फॉस्फेट के साथ, इधर देखिए जो फिफ्थ प्राइम कार्बन है, पांच कार्बन फॉस्फेट के साथ बाइंड बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एस्टर बॉन्ड ये बन गया और दूसरा एस्टर बॉन्ड ये बन गया, तो दो एस्टर बॉन्ड बन गए, इसलिए इसको हमने बोल दिया फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, मीन्स थ्री प्राइम फाइव प्राइम फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अब चाहे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करते हैं, चाहे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करते हैं या बॉन्ड की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों बनते कैसे हैं। देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल अकर्स। तो यहाँ पर ये रिएक्शन चलता है कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से यहाँ पर एस्टर बॉन्ड भी बनता है और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनता है। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दे फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये तो सिंगल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए बच्चों, जो स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अब तक हमने आपको सिर्फ यही बताया कि हमारा सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखो कि कैसे दो न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कंबाइन होती हैं, क्योंकि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी देखी जाती है, इसमें एक डायरेक्शन होती है जिसको हम पोलैरिटी कहते हैं, वो भी देखी जाती है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये फॉस्फेट के साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड है, फिर फॉस्फेट आ गया, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर फॉस्फेट और फिर न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से हमारे पास मीन्स वही बात आ जाती है, शुगर फॉस्फेट फिर शुगर फिर फॉस्फेट शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर, तो ये एक बैकबोन बन जाती है और उस बैकबोन से जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं। और जब डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड हम देखते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, बाइंड होता है, ठीक है ना, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्वानिन जो होगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। क्या बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ यहाँ पर ये बाइंड रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक प्राइम, एक पे हम लिखा है फाइव प्राइम जहाँ पे फॉस्फेट होती है, और एक में जो थ्री प्राइम पे यहाँ ओ एच होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये तो थर्ड कार्बन है, ठीक है ना, थर्ड कार्बन पे यहाँ पर ओ एच मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये फ्री एंड होगा हमेशा। और जब भी फाइव कार्बन का फ्री एंड होगा वहाँ पर हमेशा
फॉस्फेट ग्रुप होगा और यही इसकी पोलैरिटी को डिसाइड करता है। चलिए पोलैरिटी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं। पोलैरिटी का मतलब होता है डायरेक्शन, और जब भी डायरेक्शन होती है, ए पॉलीमर हैज एट वन एंड फॉस्फेट मॉइटी, जिसको क्या बोलते हैं, फाइव प्राइम एंड ऑफ द सुगर, एंड इज टर्म्ड एज फाइव प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये मॉइटी आपको दिखाई देगी जब भी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे फॉस्फेट आपको हमेशा पांचवें कार्बन पर ही दिखाई देता है। सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द सुगर हैज ए फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे देखो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो तीसरे कार्बन पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्री प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ नेक्स्ट देखिए, द बैकबोन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कि जो बैकबोन इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगी फॉर्म्ड ड्यू टू सुगर एंड फॉस्फेट। अब बैकबोन का मतलब क्या हुआ कि हम अरेंजमेंट में देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, फॉस्फेट है फाइव प्राइम एंड पे, फिर सुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर सुगर है, फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट, दिस इज द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और फिर देखिए आगे, द नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच टू द सुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। कैसे, कि फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन है और इसमें से हम प्रोजेक्ट होते हुए देख रहे हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। और आप डायग्राम में देख रहे हैं बेटे, डायग्राम में भी ऐसी है कि ये सुगर हमारे पास है, सुगर में से आप देखिए प्रोजेक्ट हो रहा है साइटोसिन, इस सुगर में से प्रोजेक्ट हो रहा है ग्वानिन, इस सुगर में से प्रोजेक्ट हो रहा है थायमिन, इस सुगर में से प्रोजेक्ट हो रहा है हमारे पास एडेनिन। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो फॉस्फेट और सुगर बनाते हैं, और उसमें से जो नाइट्रोजिनस बेसिस है सुगर से प्रोजेक्ट होते हैं बैकबोन से। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं, यहाँ पे आरएनए के केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज होते हैं हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप, वहां पर एक एडिशनल ओएच ग्रुप आ जाता है राइबो सुगर में। कैसे, कि जैसे अगर हम सपोज यहां पर देखें कि अगर एक राइबो सुगर है एंड में एक, ये एक पेंटोज राइबो सुगर है, यहां पर OH ग्रुप तो है ही है थ्री कार्बन पे, ठीक है ना, लेकिन जो टू कार्बन होगा ना, ये मान लो टू कार्बन है, ठीक है ना, ये वन कार्बन है, टू थ्री, ये फोर और ये फाइव कार्बन, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टू कार्बन पे एक OH ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडिशनल में होता है, जिसकी वजह से जो RNA होगा वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। टू कार्बन इज राइबोज एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ द थाइमिन। और जब भी हम आरएनए की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है बच्चों, आरएनए के केस में हम सभी जानते हैं कि एडेनिन के साथ अब यूरेसिल जुड़ेगा, ठीक है ना। मीन्स अब नॉर्मली डीएनए में हम देखते हैं कि यहां पर एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं यहां पर यूरेसिल जुड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइव मिथाइल यूरेसिल। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो किसने दिया, ठीक है ना, तो उसकी जो रोटेशन है वो कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जो हमारा पार्ट फोर होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों बच्चों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों तक भी पहुंच सके। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।